न्यू स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। कांग्रेस के लीडर संजय निरुपम ने ली वोटिंग मशीन की सुरक्षा का जायजा। गोरेगांव का यह नेस्को कंपाउंड है, जहां 3 पार्लियामेंट सीटों के ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम को छेड़छाड़ करके लोग इलेक्शन प्रभावित करते हैं। अब इस आरोप पे मोटा मोटी तौर पर लोग विश्वास करने लगे, तो ऐसे में हमारे चीफ पोलिंग एजेंट वाघमारे साहब कल रात को यहाँ दौरे पे आए थे और उन्होंने जो देखा उसके बाद मुझे रिपोर्ट की कि यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम नहीं है, 27 नंबर का जो हॉल है, फिर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का पूरी व्यवस्था नहीं है। तो मैं परेशान हो गया और मैं आज देखने आया था। फिर सुबह मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी, उनने बताया कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा है। तो मैं देखा, मैंने सीसीटीवी कैमरा है, चल रहा है, यह मुझे दिखाने के लिए चल रहा था या सचमुच चलता रहेगा आगे भी 20 दिनों तक। मैं उम्मीद करता हूँ 20 दिनों तक सब ठीक रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम के साथ खिलवाड़ होता है, उस हिसाब से हम सबको थोड़ा एक खास विजिलेंट होने की आवश्यकता है।